महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। चुनाव करवाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे का एक पत्र राज्यपाल को सौंपा था। इसमें 27 और 28 तारीख यानी सत्र के आखिरी दो दिनों में अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की स्वीकृति मांगी थी, जिस पर राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेकर उत्तर देने की बात कही थी। इसी के बाद सीएम ने एक और पत्र राज्यपाल को भेजा, जिसकी भाषा पर अब राज्यपाल की ओर से आपत्ति जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी हल्द्वानी और संबंधित अधिकारियों को समय पर समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। पीएम मोदी इस अवसर पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोईया और अल्पकालिक अनुदेशकों को नए साल पर मानदेय बढ़ोतरी का उपहार मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन अनुदेशकों का 2000 रुपए और रसोइयों का 500 प्रति माह मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। अब अनुदेशकों को 9000 रुपए और रसोइयों को 2000 रुपए मानदेय मिलेगा। इसका लाभ प्रदेश के 4 लाख रसोइया और अंशकालीन अनुदेशकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अटल कन्वेंशन सेंटर में संवाद समारोह में कहा कि रसोइयों को वर्ष में 2 साड़ियां और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ दिया जाएगा। गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने काशी और गोरखपुर के क्षेत्र के पदाधिकारियों को नया मंत्र दिया। उन्होंने काशी और अयोध्या को चुनाव के केंद्र में लाने और समाज में बेहतर माहौल बनाने की भी सलाह दी। शाह ने बूथ स्तर कार्यकर्ता से संपर्क बढ़ाने को लेकर दलित व पिछड़ा समाज में उन्हीं के समाज के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सेंधमारे का भी निर्देश दिया। पूर्वांचल की सियासत पर मजबूत पकड़ रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार रात को हरुआ स्थित लॉन में करीब 2 घंटे तक बैठक की। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दलित बालिका की पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बच्ची को निर्ममता से पीटने की घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं हो रही है, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटों में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि प्रियंका के इस ट्वीट के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये विभाग पहले गृह मंत्री अनिल विज के पास था। ऐसे में सरकार में पावरफुल मंत्री अनिल विज की पावर कम हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से विभाग आवंटन की पुष्टि होना बाकी है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली को भी कोई बड़ा महकमा देने का विचार चल रहा है। देवेंद्र बबली बुधवार को जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला से मिलने सिरसा स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे। उन्हें पंचायत विभाग दिया जा सकता है। सरकार की ओर से अब इसकी घोषणा की जानी शेष है। बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल में नए कैबिनेट मंत्री बने देवेंद्र बबली व कमल गुप्ता को सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को एक कार्यभार ग्रहण करवाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में जमकर हंगामा हो गया। नीतीश समाज आधार अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे, तभी मंच के बगल में कुछ दूरी पर जनप्रतिनिधियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक जनप्रतिनिधि मंच पर जाकर सीएम को ज्ञापन देना चाह रहे थे, उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया तो वो सीएम से मिलने की जिद पर अड़ गए और सुरक्षा कर्मियों से विवाद करने लगे, बैरिकेडिंग से जबरन निकलने का प्रयास करने लगे। मुख्यमंत्री शराबबंदी पर बोल रहे थे, इसी दौरान हंगामा हुआ। उन्होंने हंगामा होता देख मंच से ही कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन्हें जाना है वो जाए, संबोधन नहीं सुनना है तो चले जाए यहाँ से, लेकिन इस तरह से माहौल को खराब ना करें। महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को ट्वीट करके बताया कि वो और उनके पति सदानंद सुले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों के दौरान उनके संपर्क में आए सभी लोगों को कोविड-19 की जाँच कराने का अनुरोध किया है। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके दी है। आंध्र प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीरराजू का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो प्रदेश में 50 रुपए में गुणवत्तापूर्ण शराब की क्वार्टर बोतल उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि इस समय प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शराब की क्वार्टर बोतल 200 रुपए में मिल रही है।
वो पार्टी की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वीर राजू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में नकली ब्रांड की शराब उच्च दामों पर बेची जा रही है, जबकि अच्छे ब्रांड वाली शराब राज्य में उपलब्ध नहीं है। झारखंड में अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते पेट्रोल का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को 26 जनवरी से पेट्रोल 25 रुपए सस्ता मिलेगा। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संसाधन जैसे जैसे बढ़ेगा, राज्य के अन्य लोगों को इसमें राहत दी जाएगी। हालांकि इसकी क्या व्यवस्था होगी, लाभार्थी कैसे तय होंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उन्होंने नहीं दी है। अभी झारखंड में पेट्रोल 98.52 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। झारखंड में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरा होने पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए अलग से किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेना होगा।